भारतीय राजनीति में बहुत कम मौसम वैज्ञानिक हुए जो जनता के मिजाज की हवा को समझ लेने में माहिर थे। वो पहले ही समझ जाते थे कि इस बार किस पार्टी की सत्ता बनेगी और किसकी नहीं। उस हिसाब से राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक सत्ता के घटक दल के रूप में उस पार्टी के साथ आकर सरकार में किसी न किसी मंत्री पद पर विराजमान हो ही जाते थे। ऐसे मौसम वैज्ञानिकों के बारे में कहा जाता है कि उनकी राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचने की भी चाहत होती है। एक देश में एक नेता हुए जिनका नाम रामविलास पासवान था। रामविलास पासवान जब तक जीवित रहे और राजनीति में सक्रिय रहे, वो कभी विपक्ष में नहीं बैठे। वो जब भी संसद में पहुंचे, सत्ता पार्टी के घटक दल के रूप में किसी न किसी मंत्री पद के साथ ही पहुंचे। रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में 7 बार अलग राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन किया। अब उन्हीं की राह पर जाते हुए दिख रहे हैं जेडीयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कि 7 बार तो पलटी मार चुके हैं, लेकिन राजनीतिक हलके में चर्चा है कि वो 8वीं बार पाला बदल कर भगवादारी न हो जाएं और बिहार में कमल का फूल थाम लें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कई मौकों पर अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के उपमुख्यमंत्री पद की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और इस मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई सन्यासी नहीं हूँ, न ही किसी मठ में विराजमान हूँ। शरद यादव के निधन पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जिन लोगों ने शरद यादव को बनाया, अंतिम समय में उन लोगों ने भी शरद यादव को मानसिक तौर पर अकेला छोड़ दिया था। जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि अप्रत्यक्ष रूप से उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर नीतीश कुमार थे। इस बार कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा कहीं भाजपा का दामन न थाम ले और अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन से कोई भी समाज नाराज हो सकता है, जिसका मत प्रतिशत बिहार में लगभग 6% है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।